वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। ये है हमारा वीडियो नंबर 2 एंड आप सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ पहले वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, तभी आपको वीडियो नंबर 2 और ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगी। ये भी हमारा कंटिन्यूएशन है स्टोरी मोड के अंदर। तो भाई, लास्ट वीडियो में आप माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन तीनों का इंट्रोडक्शन देख चुके थे कि भाई तीनों किस किस टाइप की पर्सनैलिटी है, क्या क्या अपनी लाइफ में करते हैं एंड ऑल। अपने माइकल को देखा था कि वो बंदा बिल्कुल क्रिस्प शार्प मतलब बिल्कुल अच्छे माइंड वाला बंदा है, और अपने ट्रेवर को देखा वो थोड़ा सा गंदा सा लगता है, हिंदी फिल्मों के पुराने विलन के जैसा। और फ्रैंकलिन को देखा था कि वो एक यंग एज नाइजीरियन लड़का है जो कि बहुत एंथुजियास्ट है चोरी करने में, चोर कहेगा। हाँ, तो अभी ये जो मिशन ना होने वाला है हमारा, ये भी हमारा पूरा बेस्ड होने वाला है फ्रैंकलिन के ऊपर, बिकॉज लास्ट टाइम इसने जो गाड़ी चोरी करके बेची थी। तो लास्ट टाइम इसने जो गाड़ी चोरी करके बेची थी, अब उस स्टोर के मालिक ने इसको जॉब पे रख लिया है कि भाई देखो, हमारे यहाँ से ना बहुत सारे लोग EMI पे और बहुत सारे अलग अलग कार्ड के ऑफर के डिस्काउंट के बेसिस पे गाड़ियाँ खरीद के ले जाते हैं, फिर उसको EMI पे करते रहिए। तो तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, तुम गाड़ियाँ चोरी कर लेते हो, गाड़ियाँ चोरी करके लानी होगी, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि भाई EMI ना भरने वालों को पेलना भी होगा। तो अभी फ़िलहाल एक दूर एरिया में, जैसे नाला फुपारा वाला जो एरिया होता है और दिल्ली में दक्षिणपुरी वाला एरिया होता है, वैसे एरिया में एक बंदा है जिसने बाइक ली थी हमसे EMI पे, और अब वो बंदा EMI पे नहीं कर रहा। तो देखो, एरिया थोड़ा सा खतरनाक है, और देखो मैंने तुम्हारी पहले मंथ में ही फोटो यहाँ टांग दी है, इस पर लिखा है एम्प्ल ऑफ द मंथ, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, आपको मिलेगी 2 दिन की छुट्टी और 150 रुपया बोनस, लेकिन उसके लिए आपको पहले जाना पड़ेगा दक्षिणपुरी वाले एरिया में, और वहाँ पर रखी हुई है जो बाइक जो बंदा EMI पे लेकर गया था, बट EMI दे नहीं रहा, आपको वो EMI वापस उससे भरवानी पड़ेगी। तो भाई काम थोड़ा सा खतरे का था, बट मेरा नाम भी फ्रैंकलिन है और पीछे एक ग्रीन टोपी वाला टोपीबाज मैंने बैठा लिया, तो भाई ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है मेरे लिए। मैं अब इस टोपीबाज को लेकर अपने साथ जा रहा हूँ छोटे मोटे कट मारते हुए, और भाई कट के चक्कर में बाइक हमारी थोड़ी सी कट हो गई और माथे पे भी एक छोटा सा कट आ गया, उसको तो ट्रक ने ही टक्कर मार दिया, बट जिंदा बच गया, बहुत बढ़िया बात है, वरना मिशन दोबारा स्टार्ट करना पड़ता, बंदे के मरने के दुख नहीं है हमें। तो भाई फिलहाल बाइक लेकर मैं जा रहा हूँ उस लोकेशन पर जहाँ पर वो बंदा रहता है, दक्षिणपुरी हो या उत्तरपुरी, मैं देख लूँगा जो भी है भाई। भाई फिलहाल उस लोकेशन के बहुत पास है हम लोग, और वहाँ जाने के बाद मुझे लगता है भाई कुछ धुआंधार होने वाला है। बाइक पे अगर मान लीजिए वो भागने की कोशिश करता है, उसका पीछा करना पड़ा, तो बाइक पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हम गिर जाएंगे और हमारे मरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मैंने ये बहुत ही शानदार सी गाड़ी यहाँ से उठा ली है, और भाई इसी गाड़ी पर हम लोग पहुँचने वाले हैं उस मिशन को कम्प्लीट करने के लिए। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इसका सिर्फ एक ही मोटिव है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, यूट्यूब सेंस करता है उनको भी यानी कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो वो और लोगों को दिखाता है। कोई लालच नहीं है मन में, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ छोटा सा एक सब्सक्राइब, एक लाइक, और अगर कुछ मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ तो एक कमेंट। भाई जैसे ही मैं दक्षिणपुरी की कॉलोनी में घुसा हूँ ना, मेरे को एक बंदा दिखा, मुझे लगा यही होगा, मैंने जाकर उसको मार दिया है मुक्का, पर ग्रीन टोपी वाला कहता है ये नहीं है यार, यहाँ पे हर बंदा चोर थोड़ी है। वो बात अलग है कि 100 में से 99 होंगे, पर हर बंदा चोर थोड़ी है भाई। तभी फ्रैंकलिन को दिख गई कुछ बिल्लियाँ, और बिल्लियों के पीछे बिल्कुल पागल, कौन सी बिल्लियाँ वो मैं नहीं बता सकता, बिकॉज ये बच्चों के लिए भी है वीडियो। तो भाई फिलहाल हम लोग आ गए हैं लास्ट मोमेंट पे, जहाँ पर तीन तीन शटर दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं में से किसी एक शटर के अंदर है वो बाइक जो उस बंदे ने ली हुई है। भाई पहला शटर सोफे वाले का निकला, तो यहाँ पे चोरी के सोफे बिकते हैं। दूसरा शटर खाली है, यहाँ पे चोरी का सामान पहुँचना बाकी है अभी, बिकॉज है तो चोरों वाला ही एरिया। और भाई ये है तीसरा शटर, जिसको मैं जैसे ओपन करता हूँ, भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तो पड़ी है, बट बाइक का वो निशान नहीं है, एक गन मुझे मिल गई है। भाई तभी दक्षिणपुरी वालों को पता चल गया कि यहाँ पर रिकवरी एजेंट आया, इन्होंने कर दिया पूरा अटैक, और भाई मेरे ग्रीन टोपी वाले बंदे को ओपन कर दिया अटैक। भाई मैंने मारी उसके घुटने पे गोली, और भाई दूसरा बंदा पीछे से गोलियाँ चला रहा था, मैंने उसके भी मारी है गोली। भाई यहाँ पे बहुत गंदा वाला अटैक चल रहा है अभी फिलहाल, उसके पैर में गोली लगी, वो गिर गया था, फिर भी उठ के गोली मार रहा है, देख रहे हो।
दक्षिण कोरिया है भाई यहाँ पे, लाइक मैंने बहुत सारे मीम देखे हुए आज की डेट में कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, भाई दक्षिण कोरिया इज नॉट इवन फॉर प्रोज, अगर आप प्रो भी हो तो भाई दक्षिण कोरिया आपके लिए नहीं है, मत करना एंट्री भाई वहाँ पे, इट्स नॉट फॉर यू, नॉट एट ऑल। तो भाई फिलहाल मैं पीछे की तरफ छुप के गोलियाँ चला रहा था इससे पहले कि उसको कुछ पता चले। बहुत बढ़िया भाई, एक बंदा वहाँ पे लास्ट गया हुआ है, इसको निकालने के बाद मैं बढ़ूँगा आगे। भाई मेरे भी दो तीन चोटें लगी हुई हैं, बहुत गंदी वाली जैकेट से खून निकल रहा है, लेकिन मेरा ग्रीन टोपी वाला दोस्त आगे बढ़ के गोलियाँ चला रहा था, मैं उसको छोड़ूंगा तो नहीं अकेला। भाई पीछे की तरफ एक बंदा आया पीछे की तरफ, और इसको निपटाना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो ऊपर उठा मैंने उसको नीचे बैठा दिया वापस घुटने के बल, फिर उठ गया यार। क्या कंधे के पास से गई थी कि वो, इस बार ख़त्म। फिर एक छत के ऊपर भी है, छत के ऊपर निकला कौवा, उसको मैंने वापस डाल दिया उसके घोंसले में। और भाई अभी मेरा ग्रीन टोपी वाला दोस्त बढ़ गया है आगे, कि उसको लगता है वो है 30 मार खाऊँ, भाई उससे कुछ हो तो पा नहीं रहा। अभी तक के सारे बंदे मैंने ही मारे हैं, वो पता नहीं गोलियाँ चला किस पे रहा है, गधे का बच्चा। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ आगे के, यहाँ पर ऑलमोस्ट सब लोग मर चुके हैं। तो ये बंदा नीचे गिर गया था, ग्रीन टोपी वाले ने गिरा दिया था इसको नीचे, बट मरा नहीं उससे, मारूंगा तो बेटा मैं ही। अभी ये ब्लू वाली कार में ना उसके और साथ ही आए, वो लग पर मेरी गोलियों से अड़बड़ा कर इन्होंने मार दी दीवार में टक्कर, उनसे कुछ हो पा नहीं रहा है। भाई लास्ट के दो तीन बंदे मेरे ख्याल से बचे हैं, एक यहाँ पे पीछे छुपा हुआ है, इसकी ऐसी की तैसी गंजे है। भाई इस गंजे को मारी मैंने गोली और गंजा हो गया है बाहर। अभी मेरा ग्रीन टोपी वाला दोस्त जाओ गेट की तरफ भागा, ये बोलकर कि भाई बाइक वाला तो वहाँ से निकल रहा है, बाइक तो उधर थी और वो बंदा लेके निकल रहा है, जल्दी भाग। तो भाई तभी मैं उस बंदे के पीछे पीछे भाग के इस गेट तक पहुँचा हूँ। गेट के पास पहुँचने के बाद मैं जा रहा हूँ सीधा गेट के ऊपर से अंदर, भाई इसी गाड़ी के साथ हम लोग जाएंगे उसके पीछे। भाई हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें उससे EMI लेनी है, हमें उससे लाइक बाइक लेनी है, नहीं, हमें बस इस एरिया वालों को ये दिखाना है कि हमसे EMI पे बाइक ली और EMI नहीं दी, तो भाई बंदा ख़त्म होगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके तो पट से मारूंगा वहाँ पे शॉट, अभी एक बार मर जाने दो इसको, इसको भी मेरे हाथ से चढ़ जाने को, उसको पट्ट से वो वाला शॉट मारूँ ना, हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। पर बंदा हमें बाइक पे दिख तो रहा है, लोकेशन हमारे आसपास ही है, बहुत ज़्यादा दूर ये बंदा नहीं है, इसकी ऐसी की तैसी तो करनी पड़ेगी, वरना फिर यार अगली बार से खौफ कैसे बैठेगा हमारा। या तो भाई आप EMI पे नहीं मत कुछ, और अगर ले रहे हो तो भाई EMI पे करो। बंदा फाइनली भाई हमारी लोकेशन के बिल्कुल आसपास आ चुका है, पहली टक्कर लगी, बंदा भाई बाइक चलाने में प्रो है, उसको कुछ नहीं हुआ, वो गिरा नहीं, वरना नॉर्मली गाड़ी की टक्कर लगने के बाद तो बाइक बिखर जाती है भाई। बाइक बिखरने का बोलते ही मेरी गाड़ी गई है बिखर, और भाई ये बंदा बिना बात के गया है बिखर यहाँ पर। भाई ये कुत्ता था या लाइक चीता था, लाइक बच्चों के पीछे भाग रहा था, लेकिन हमें फोकस करना है अभी सिर्फ गाड़ी पर, और गाड़ी जा रही है सीधा आगे। भाई बाइक वाला जो है वो बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है हमसे, लेकिन स्टिल ही इज़ अ प्रो, और हम अभी नए नए आए हैं, स्टिल हार मानेंगे नहीं, ट्राई करेंगे लास्ट मोमेंट तक। और भाई मैं आपको बता दूं कि कोई भी मेरा जो मिशन है वो इतना इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहा है। फाइनली मैंने उसे बहुत तगड़ी गाड़ी की टक्कर मार के उसको गिरा दिया है, रोड पे खूनम खून हो गया है, और वो बंदा बाइक के नीचे है, और अब हम मारेंगे पट से ये वाला शॉट, आपको बताया कौन सा वाला। तो भाई ये थी वो बाइक जो मैं लेकर जानी है, और फिलहाल मैंने बाइक ले ली अपने कब्ज़े में। ये मिशन ऑलमोस्ट हमारा एंड होने की तरफ जा रहा है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्या हम चेंजेस कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियोस में, और कौन से ऐसे मिशन हैं जो आप देखना चाहोगे और किस वे में। भाई जो आप बोलोगे ट्राई हम पूरा करेंगे करने का। सो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि अभी स्टोरी मोड को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो सीरीज स्टार्ट की है उसको कंप्लीट करे बिना एंड नहीं करेंगे, और बीच बीच में रैंप वाली वीडियोस और शॉर्ट्स भी आते रहेंगे। आई एम वेरी ईगरली वेटिंग कि भाई इतनी हाई ग्राफिक्स वीडियो का शॉर्ट्स किस लेवल का बनेगा। सो आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर वालों का रखो ध्यान, और आप सबको राम राम। इस वीडियो को बस कंप्लीट करके देख के जाना है, इसको लाइक ग्रीन बाइक को लेकर बस अपने वापस जाना है।
हाँ, तो स्क्रीन बाइक को लेकर ये बंदा निकल चुका है और बस उस लोकेशन पे जाकर इसको छोड़ देना जहाँ पे इसने नई नई नौकरी स्टार्ट की है। इसको 150 रुपये का बोनस और 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ तो ये ऑलरेडी बन चुका है पहले ही महीने में। तो हम लोग ऑलमोस्ट लोकेशन पर आ गए हैं, वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। बाय बाय। Man, I can't hang with your ass for a while, bro.